हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे आफ्टर इफेक्ट में हैंड रिटन इफेक्ट कैसे बनाया जाता है। बहुत आसान, बहुत सिंपल है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, ये सबसे पहले हम न्यू कंपोजिशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इसका प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं, राइट ऑन या कोई भी दे दें। इसका विड्थ है 1920x1080, इसके फ्रेम रेट है 29.97 और इसका ड्यूरेशन है 30 सेकेंड, स्क्रीन ब्लैक। इसको ओके कर देंगे। यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर देंगे। यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको अलाइन कर देंगे सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट, ये भी सही है, दूसरा भी डाल सकते हैं, ये ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रश टाइप का लग रहा है ना, ये ठीक है इस तरीके से। अभी हम क्या करेंगे, इसको टेक्स्ट जो लेयर है इस पर क्लिक करके इसको एक्टिव करेंगे और ये पेन टूल में जाएंगे। यहाँ पे अभी पेन टूल पे हमको इसकी राइटिंग बनानी है, जिस तरह हम हैंड रिटर्न करते हैं इसी तरह इसको एक एक करके हम इसकी राइटिंग करेंगे, तो ये इसका ट्रैक बन जाएगा। तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह करेंगे। ठीक है, इसको हमने ये अभी यहाँ पे हम अगर देखें तो इसने एक मास्क इसका बना दिया। तो अभी हम हर फॉन्ट, हर जो इसका वर्ड है, इसका हम एक 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 मास्क इसका बनाएंगे। अभी देखिए, ये मास्क सेलेक्ट कर, अभी हम वापस से इसको क्लिक करेंगे। ये देखिए, इसने दूसरा एक मास्क बना दिया। तो हर वर्ड का एक अलग अलग मास्क हम इसमें ट्राई करेंगे। देखिए, हमारे अभी ये इसके मास्क रेडी कर दिए हमने, पूरा कर दिया। अभी हम इसमें इफेक्ट्स डालेंगे। जी दोस्तों, ये हमारे ये सेलेक्ट हो गया। अभी हम जाएंगे इफेक्ट्स एंड प्रीसेट में। यहाँ पे हम सर्च करेंगे स्ट्रोक। ये देखें, ये जनरेट के नीचे है। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे अपने फ़ॉन्ट के ऊपर, तो इसका ये प्रॉपर्टी खुल गई। तो इसमें हम थोड़ी सी सेटिंग करेंगे और ये फिर हमारा बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसके जो हमारा ऑल मास्क है इसको चेक कर देंगे, और ये हमारा जो यहाँ पे है पेंट स्टाइल है, इसको रिवील ओरिजिनल इमेज कर देंगे, और इसका हम जो ब्रश का साइज़ है ये हम बढ़ा देंगे। जी अभी हमारा जो ब्रश साइज़ है इसको 100% कर देंगे, ताकि ये कोई फैदर इसमें नहीं रहे। अभी देखें, ये जो हमारा एंड है इसके ऊपर देखें, हम अगर इसको कम करते हैं तो ये राइटिंग इसमें अभी ज़ीरो हो गई। अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये राइटिंग करना शुरू कर दी, जिस तरीके से हमने इसको टाइप किया था इसी तरीके से बनना शुरू हो जाएगी। अभी हमको इसको सिर्फ क्या करना है, एनिमेट करना। तो एनिमेशन के लिए हम इसमें अंदर की फ्रेम बनाएंगे। सबसे पहले हम इसको ज़ीरो पे लेकर आएंगे, उसको करेंगे, अभी हम इसको सिर्फ कुछ फ्रेम आगे करेंगे और इसको कर देंगे 100%। अभी ये हमारा बन गया। अभी हम इसको चला के देखेंगे। ये ब्रश साइज़ मेरा तो 100% था, इसको मैं 29 पे कर देंगे तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम दोबारा इसको चला के देखते हैं। ये देखें, अभी बिल्कुल ये जिस तरह ही चल रहा है, जिस तरह हमारा राइटिंग हम करते हैं। इसमें ऑन में थोड़ा सही नहीं है, तो इसको अभी सही करते हैं। अभी हम दोबारा चला के देखेंगे। ये देखें, इसका टी सही नहीं है, तो इसका टी भी कर देते हैं सही। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।